रोहतास स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन लगाने का डेमो ट्रायल शुरू हुआ। 50 लोगों पर डेमो ट्रायल किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन लगाने को डेमो ट्रायल अस्पताल परिसर में ही 25-25 लोगों के बैठने के लिए कोविड प्रतीक्षा रूम बनाया गया था। इसके लिए अस्पताल परिसर में ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह के नेतृत्व में सारी तैयारियों को पूरी कर ली गई थी। लगभग 10:30 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पहुंचे और सारी तैयारियों का जायजा लिया। रिमोट ट्रायल की जानकारी लेने जिलाधिकारी आजमगढ़ राव में राजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह 11 बजे यहां पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रतीक्षा रूम, वैक्सीनेशन रूम एवं वैक्सीन लगाने के बाद रूम को बारीकी से देखा एवं दिशा निर्देश दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा। क्राइम ब्यूरो चीफ नूर अहमद की खास रिपोर्ट। जिसमें आजमगढ़ में 4 स्थानों को चयनित किया गया, 6 स्थानों को सर चयनित किया गया, तो क्या सर इसमें क्या होता है, तैयारी कहाँ तक सही? बेसिकली ये ड्राई रन जो होना है, रिहर्सल जो होना है, उसका मेन पर्पस ये है कि हम पूरी तरह से इक्विप हों, कोई आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। तो आज वही देखा गया, यहाँ पर 3-4 चीज़ें करी गई हैं। जैसे एक प्रतीक्षा कक्ष होगा, वेटिंग रूम होगा, जहाँ पर जो भी वैक्सीनेशन लेने के लिए आएंगे लोग वो रुकेंगे, वेट करेंगे और बारी बारी से अंदर जाएंगे, जितना जब अंदर वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन से पहले वेरिफिकेशन करना है कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन के बाद उनको 45 मिनट एक पोस्ट को वैक्सीनेशन एक रूम तैयार किया गया, वहाँ पे भी रखने की व्यवस्था है, जहाँ पे सारी जानकारियाँ दी जाएंगी कि आपको आगे क्या केयर करनी है और कैसे किस कौन सा टोल फ्री नंबर, सारी चीज़ें उनको जानकारी दी जाएंगी। उसके अलावा एमरजेंसी के लिए भी व्यवस्था की गई है, इन केस अगर कुछ होता है। वैसे ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तक और पूरी तरह सेफ़ है कोरोना की वैक्सीन। तो सारे प्रोटोकॉल्स, क्योंकि जो इंटरनेशनली प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे व्यवस्था देखी गई है, तो उसी को देखने आया। जिले में लगभग कितने लोगों को प्रथम चरण में वैक्सीन लगी है? 16,000 रजिस्टर्ड हैं, करीबन 16,000 के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिला के वो सभी रजिस्टर्ड हैं। तो पहले फेज में उन सबको वैक्सीनेशन के लिए तैयारी की जाए। जैसे कि सर पहले दूसरे वैक्सीन लगने के बाद जो प्रतीक्षा रूम बनाई गई है सर, उसमें इनके इंट्रैक्टर में अगर कोई किसी के अंदर दवा ही है सर अगर रिएक्शन करता है तो प्रथम चरण में उसको यहाँ उपचार की क्या व्यवस्था? पूरी व्यवस्था AFI रूम भी बनाया गया है, वहाँ पे सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, ट्रेन डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे उपलब्ध है। जो वैक्सीनेशन के जगह है वहाँ पे 100% सारी व्यवस्था है। इनफैक्ट ये भी है कि ANMs को भी इसके लिए ट्रेन किया गया है कि वो भी फील्ड में कुछ चीज़ें जानकारी रहे। मरीज को यहाँ आने और ले जाने के लिए तो ये सीधे अस्पताल? देखिए, फर्स्ट फेज में ज़्यादातर आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स हैं और उनको SMS और उसके माध्यम से उपलब्ध बताया गया है कि आपको वैक्सीनेशन कहाँ लगेगी, उनको सूचित किया गया समय और दिन, उसके हिसाब से वो यहाँ पे आएंगे और वैक्सीन उनको दी जाएगी।